हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक महत्वपूर्ण सवाल। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले इसके हम चित्र को देख लेते हैं कि इसका चित्र क्या बनेगा। ये रहा चित्र आपके सामने। अब इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले कॉपी में उत्तर डालते हैं और मानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। कर्ण हमें प्रश्न में दिया है 13 सेंटीमीटर है। क्योंकि त्रिभुज समकोण है इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 आएगा। यहाँ पर हमने एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र में कन्वर्ट किया है और 13 का 169 वर्ग होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 169 का 95 करते हैं और हमें 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 प्राप्त होता है। फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0 प्राप्त होता है। इस पूरे में दो कामन है, दो कामन लेने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बचता है। अब हम एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं और 60 के टुकड़े करते हैं 12 माइनस 5 में, इन टुकड़ों को रख देते हैं। इससे क्या होता है, हमें चार खंड प्राप्त होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। पहले वाले दो टुकड़ों में x कामन है तो ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे में 5 कामन है, इसलिए दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 प्राप्त होता है। अब दोनों में x माइनस 12 कामन है इसलिए दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बचता है और इनके बराबर 0 है। x माइनस 12 बराबर 0 रखने पर, x प्लस 5 बराबर 0 रखने पर, x का मान हमें एक बार धनात्मक रूप से प्लस और एक बार ऋणात्मक रूप से माइनस 5 प्राप्त होता है। अब हम माइनस 5 को छोड़ देते हैं क्योंकि कोई भी भुजा की माप माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमारी एक भुजा की माप x बराबर 12 मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 होगी, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।